हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। और संविधान पिछली क्लास में हम लोगों ने कहा था, आज उसी क्रम में हम चीज़ों को आगे पढ़ते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने संविधानवाद क्या है इसके बारे में समझ लिया था, संविधान क्या है इसके बारे में समझ लिया था, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी संविधान की इसके बारे में पढ़ लिया था। अब जब संविधान बन गया होगा तो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या थी संविधान को बनाने में, कि संविधान को आवश्यकता पड़ने पर हम उसका अध्ययन किस प्रकार करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे संविधान में तो आपको टॉपिक बहुत सारे मिलेंगे। अगर हमें मान लीजिए ये समझना है कि प्रधानमंत्री के पास क्या योग्यता होनी चाहिए, उसकी शक्तियाँ क्या होनी चाहिए, या भारत की संसद के बारे में पढ़ना होगा, या राज्यसभा के बारे में पढ़ना होगा, या मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ना होगा, या भारत के महान्यायवादी के बारे में जानना होगा, या हमारे मौलिक कर्तव्य क्या है, या हमारे मौलिक अधिकार क्या है, अगर हमें इन सब चीज़ों को पढ़ना होगा तो हम संविधान के किस पेज पे किस पार्ट को कहां पर ढूंढेंगे। क्योंकि संविधान एक विस्तृत संग्रह है और उसमें किसी चीज को ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए हम क्या करेंगे कि हमें चीजों का अध्ययन आसान हो जाए, इसलिए हम समान टाइप की चीजों को एक जगह रखेंगे जिससे कि हम उन्हें आसानी से ढूंढ सकें। तो आज हम देखेंगे कि हम संविधान को किस प्रकार से व्यवस्थित करके रखेंगे। तो इसे हम हेडिंग डाल कर लिखेंगे कि संविधान का निर्वचन। संविधान का निर्वचन, इसका मतलब यह हुआ कि संविधान की जो व्याख्या हमने की है वो किस प्रकार की है, आखिर संविधान में किस प्रकार से टॉपिक को बांटा गया है। जैसा कि आप सब लोग छोटी क्लास में पढ़ते चले आए होंगे, इंटर तो पास ही होंगे यार आप, पर मोस्टली बच्चे तो आजकल साइंस साइड के होते ही हैं। अब जैसे अगर मैं आपसे कह देता चुंबक के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना है विज्ञान में, तो आप बहुत आसानी से ये जान जाते कि सर मैग्नेट में ये टॉपिक की बात कर रहे हैं। और अगर आप कक्षा 12 की फिजिक्स देखे होंगे तो उसमें मैग्नेट एक टॉपिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक टॉपिक है, लाइट एक टॉपिक है, मॉडर्न फिजिक्स एक टॉपिक है। तो जब कोई एक क्वेश्चन पुटअप किया जाता है तो पहले आप ये सिलेक्ट कर लेते होंगे ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है। फिर वहां अगर आप जाएंगे तो आपको ढेर सारा क्राइटेरिया मिलेगा कि यहाँ पर पोटेंशियल के बारे में है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में है ना, तो गॉस थ्योरम होगा, बहुत सारे टॉपिक होंगे, वहां पर आप चीजों को ढूंढ लेंगे। दरअसल मैं क्वालिटी में विज्ञान की बातें इसलिए कर लिया क्योंकि आप पीछे पढ़े हैं। तो ये आप छोटी क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं 1, 2, 3, 4 से, जहां पर हम चीजों को क्लासिफाई करते हैं टॉपिक के आधार पर, भाग के आधार पर। तो हम संविधान का जो सबसे पहला पार्ट हिस्सा होता है उसे हम भाग ही कहते हैं, है ना। आखिर भाग का मतलब क्या होता है पहले हम ये समझ लेते हैं। भाग का मतलब यह होता है कि संविधान में एक जैसी समान चीजों को, यानी एक जैसी चीजों को आराम से ढूंढने पे मिल जाए, इसलिए उन्हें हम एक जगह कलेक्ट करके रख देंगे, उसे हम बोलते हैं भाग। जैसे अगर हमें मान लीजिए भारत क्या है, एक संघ है, तो अगर हमें इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो हम क्या करेंगे, किसी एक भाग में ढूंढेंगे, तो वो है हमारा जो विभाग, भाग 5। इसी प्रकार हमें राज्य के बारे में जानना होगा तो भाग 6 में ढूंढेंगे। बात समझ रही है, हमें राज्य का जो, या जो हमें भारत को शासन चलाने के लिए सरकार को जो निर्देश दिए गए हैं, जो उनका आधार है किसी भी नीति को बनाने के लिए, उसे हम नीति निदेशक तत्व में पढ़ते हैं, भाग 4 में पढ़ेंगे। तो समान टाइप की चीजों को ढूंढने में आसानी हो इसलिए उन्हें हम भाग में, पार्ट में बांट लेते हैं। तो संविधान को हम सबसे जो दीर्घ वाले भाग में बांटेंगे, पार्ट में बांटेंगे, वो होगा भाग। जैसे हमने क्या कहा, अगर हम संविधान के भाग 4 के बारे में बात करें तो ये बात करता है नीति निदेशक तत्व के बारे में, ठीक है ना। तो नीति निदेशक तत्व, ये कोई बहुत ऐसा नहीं है क्वेश्चन, आने वाला क्वेश्चन है, बड़ा सीरियस मुद्दा चल रहा है, बस संविधान समझो। बस हम जानना चाहते हैं कि कोई कहा भाग 6 में क्या है, भाग 7 में क्या है, भाग 8 में क्या है, सुनने को मिलता है। तो अगर आपको ये नहीं पता कि भाग हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, अक्सर सुनने को मिलता होगा, आप सुनेंगे धारा, आप सुनेंगे क्लाज, सब क्लाज, अनुच्छेद, तो इन सब का मतलब पता होना चाहिए। किसी भी चीज को पढ़ने से पहले अगर उसकी टर्मिनोलॉजी को हम नहीं जानेंगे तो हम कैसे समझ पाएंगे, और हम क्वालिटी पढ़ रहे हैं डिटेल में। और अगर हम मुद्दों को डिटेल में समझना चाहते हैं और हमें छोटी छोटी बातें नहीं आएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और जब कोई नया बल्लेबाज मार्केट में आता है जो क्वालिटी ABC से पढ़ता है, और खासकर वो बच्चे जो साइंस फील्ड के होते हैं, आर्ट के नहीं, आप यकीन मानिए उनको 5-6 दिन तक तो लैंग्वेज समझ में नहीं आती, क्योंकि हम खुद एक साइंस के छात्र थे, और जब क्वालिटी पढ़े तो बड़ा
बड़ा कंफ्यूजन होता था कि यार इसमें ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, कहाँ से संघ आ जा रहा है, राज्य आ जा रहा है, राज्य देश के लिए इस्तेमाल हो रहा है, हम तो राज्य का मतलब यूपी और बिहार इसको समझते थे। तो चीजें कुछ नई नई और अजीब सी फील होने लगती है, कह यार बड़ा कठिन है क्या। पर कुछ दिन बाद समझ में आ जाता है कि अच्छा बस नॉर्मल बात है। शुरुआत में तो हम लोगों को लोकसभा राज्यसभा नहीं समझ आती थी, अब क्या करें, क्योंकि हमेशा आप खेले किससे हैं, है ना, साइंस क्लास टाइम किए हैं, हमेशा हमेशा विज्ञान पढ़े हैं, तो फिर ये चीजें आपके लिए नहीं होंगी, पर जब आपको आ जाएंगे तो फिर आप अच्छे बल्लेबाज बन जाएंगे। तो चलिए पहले आप लोग एक एक पॉइंट को समझेंगे रिलैक्स होकर। तो हमने बताया अगर हम बात करेंगे भाग चार की, इसमें हमें मिलेगा नीति निदेशक तत्व। आगे हम पढ़ाएंगे नीति निदेशक तत्व क्या है। इसमें सरकार को दिए गए वो सिद्धांत हैं जिसके आधार पर वो राज्य का शासन करेगा, नियम बनाएगा, कानून बनाएगा, हम देखेंगे तब के बारे में। इसी प्रकार हमारे पास संविधान का एक भाग है भाग पांच। जो भाग पांच है वो बात करता है संघ का शासन, ठीक है ना, यानी भारत देश का शासन कैसे चलेगा, इसमें कौन कौन से लोग आएंगे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बाकी जो कुछ भी आएंगे, उपराष्ट्रपति, सब हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, संघ के शासन के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसी प्रकार अगर हम बात करें एक भाग हमारा क्या है भाग छह, भाग छह के अंतर्गत हम पढ़ेंगे राज्य का शासन। तो ओवरऑल पाठ का मतलब क्या है कि समान चीजों का अध्ययन करने के लिए हमने उन्हें एक जगह पर व्यवस्थित कर दिया। क्या समान चीजों का अध्ययन करने के लिए एक जगह उन्हें क्या कर दिया गया है, व्यवस्थित कर दिया गया है। यानी हमें अगर संघ के बारे में जानकारी चाहिए तो भाग पांच में जाएंगे, हमें राज्य के बारे में जानकारी चाहिए तो हम भाग छह में जाएंगे, हमें नीति निदेशक तत्व के बारे में जानना है हम भाग किसमें जाएंगे, चार में जाएंगे। तो ऐसे ही ढेर सारे भाग हैं, भाग वन, भाग टू, भाग थ्री, भाग फोर, भाग फाइव, भाग सिक्स, ये होता जाएगा। तो पहले आप भाग के बारे में जुड़ेंगे। भाग के बाद जो हमें मिलता है वो मिलता है अध्याय। अध्याय का मतलब क्या होता है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे ना, ऐसे वहां पर विशुद्ध हिंदी लिखता है, अध्याय का मतलब होता है चैप्टर। आप देखे होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर आप पहले पहला चैप्टर विद्युत क्षेत्र, है ना, विद्युत बल व विद्युत क्षेत्र, फिर विद्युत विभव। मैं फिजिक्स में कहे बार बार आ जा रहा हूँ क्योंकि मैं कंफर्ट फिजिक्स में ही रहता हूँ, है इसमें भी रहता हूँ। तो हमें ये समझना था कि अध्याय का मतलब क्या था, चैप्टर का मतलब क्या था। जनरल जैसे हमारे पास एक है भाग पांच, भाग पांच में आपने हमें बताया कि संघ का शासन, ठीक है ना। तो भाग पांच हमें जानकारी देता है संघ के शासन के बारे में। अब इसमें कई सारे संघ के चैप्टर होंगे, इस संघ के शासन में हम कई चीजों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में, बात समझ आ रहा है ना, फिर अगला इसमें एक चैप्टर आएगा प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, है ना, एक चैप्टर इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, है कि नहीं। तो ऐसे ढेर सारे टॉपिक निकलते चले जाएंगे जो संघ के शासन में होंगे। तो यानी भाग पांच का एक चैप्टर ऐसा होगा जो राष्ट्रपति के बारे में बताएगा, दूसरा चैप्टर ऐसा होगा उपराष्ट्रपति के बारे में बताएगा, फिर अगला चैप्टर होगा प्रधानमंत्री के बारे में बताएगा। तो संघ के शासन ये एक भाग है और उस भाग के अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बाकी सब चीजें आती हैं। ये क्लियर हो गया ना, ठीक है, यानी इसके अंदर चैप्टर है। अब राष्ट्रपति के बहुत सारे गुण होंगे, उसका निर्वाचन कैसे होगा, राष्ट्रपति की नियुक्ति यानी कैसे होगी, है ना, उसके अंदर क्या योग्यता आनी चाहिए, उसकी शक्तियां क्या होती हैं, उस पर महाभियोग कैसे लाया जा सकता है, इसका मतलब इसमें भी ढेर सारे पार्ट निकलते होंगे। तो इसका मतलब जब हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे अध्याय के बाद, तो पहले भाग मिला, भाग के बाद हमें क्या मिला, अध्याय यानी पार्ट, पार्ट के बाद चैप्टर, और चैप्टर के बाद जो हमें मिलता है वो मिलता है आर्टिकल। क्या मिलता है, आर्टिकल, जिसे आप लोग हिंदी में कहते हैं अनुच्छेद। अब अनुच्छेद का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले आपने हमें बताया एक भाग पांच था, भाग पांच में आपने बताया हम क्या पढ़ते हैं, संघ का शासन, और संघ के शासन का एक चैप्टर हमारा क्या है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति एक क्या था बच्चा, चैप्टर, और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, एक आर्टिकल आएगा कि राष्ट्रपति की क्या योग्यता होनी चाहिए, एक ऐसा होगा जो बताएगा कि राष्ट्रपति की क्या शक्तियां होती हैं, एक ऐसा चैप्टर होगा, चैप्टर नहीं एक आर्टिकल होगा, ये आर्टिकल्स है, एक आर्टिकल जो बताएगा कि राष्ट्रपति पर कैसे महाभियोग लाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग,
बस ये हम संविधान का निर्वचन, संविधान को कैसे लिखा गया है, कहीं अगर आर्टिकल मिल जाएगा तो आप समझ जाएंगे किसके बारे में बताया जा रहा है। चैप्टर के अंतर्गत जब हम किसी को विश्लेषित किए होंगे तो उसके अंदर जो पॉइंट्स आए होंगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे आर्टिकल के अंतर्गत। तो आर्टिकल्स क्या है आप समझ गए होंगे, सबसे पहले हमें मिला पार्ट, पार्ट के बाद हमें क्या मिला चैप्टर, और चैप्टर के बाद हमें क्या मिला आर्टिकल। अब कई बार यहाँ पर एक शब्द बड़ा इस्तेमाल होता है, सुना होगा ये धारा हटा दी गई कश्मीर से, है ना, वो धारा हटा दी गई, तो दरअसल ये टेक्निकल टर्म में अगर देखा जाए तो वो गलत होता है, क्योंकि लोग अधिकांशता क्या करते हैं यहाँ पर सेक्शन का इस्तेमाल यानी धारा का इस्तेमाल वो आर्टिकल के लिए कर लेते हैं। फर्ज आए नहीं, इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा कि आर्टिकल और सेक्शन दो अलग अलग पॉइंट है। आज जो धारा होती है ना, नॉट यूज पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन ला, है ना, यानी संविधान के लिए इसे नहीं इस्तेमाल करते हैं, संविधान के लिए यह यूज नहीं होता। जैसे हम ये नहीं कहेंगे कि धारा इतने के अंतर्गत हम राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में पढ़ेंगे, धारा इतने के अंतर्गत हम राष्ट्रपति पर महाभियोग पढ़ेंगे, ये गलत माना जाएगा। हम पढ़ेंगे आर्टिकल इतने के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग होगा, है ना। तो हम यहाँ आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ के बारे में पढ़ते हैं, संविधान में निर्मित लॉ के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें हमेशा हम किसका इस्तेमाल करेंगे, आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो नियम पार्लियामेंट बनाई थी है ना, यूज्ड फॉर पार्लियामेंट लॉ, यानी भारतीय संसद के द्वारा जो कानून बनाए जाएंगे उसके लिए हम कहते हैं धारा। और जो ऐसे कानून होंगे जो पहले से ही कहां पर मौजूद होंगे संविधान में, उनके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, आर्टिकल। तो हमने क्या बताया, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था होगा कि आर्टिकल 17 अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो आर्टिकल मैंने बोला, मैंने ये नहीं कहा धारा 17, बस मेरा कहने का मतलब ये है। तो संविधान में हम आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, पर अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाएगी तो उसके लिए वो किसका इस्तेमाल करेगी, धारा, ठीक है ना। अब चलिए, हमने सेक्शंस के बारे में पढ़ लिया, हमने आर्टिकल्स के बारे में पढ़ लिया, हमने अध्याय के बारे में पढ़ लिया, कुछ बातें और हैं छोटा मोटा, इसको हम समझ लेते हैं इसी में, बहुत ज्यादा लंबा इसे खींचने के चक्कर में नहीं है, क्योंकि हमने बताया जैसा कि आज टाइम का हमने बड़ा अभाव है, आज की क्लास बननी ही नहीं थी, पर मैं बहुत ही ज्यादा सुबह उठ गया आपकी उम्मीद से परे, है ना, मुझे लगा कि डिसकंटिन्यू ना होने पाए क्लास, नहीं आपको लगेगा कि बस सर झूलझाल करना चाहते हैं। तो आज की क्लास तो आपको मिल गई, पर नेक्स्ट क्लास आपको नहीं मिलेगी, एक दिन या दो दिन उसके बाद फिर आपको मिलेगी, ठीक है ना। चलिए आइए देख लेते हैं हम क्या बताना चाहते हैं। और हमें और एक बात ये समझनी थी, अगर हमने ये समझ लिया सेक्शन क्या होता है, इसके बाद आपको एक बात सुनने को मिलती होगी क्लॉज, ठीक है ना, आखिर क्लॉज क्या होता है ये समझ लेते हैं। जैसे आप एक शब्द क्लॉज सुनते होंगे, ठीक है ना, क्लॉज, क्लॉज का मतलब होता है परंतु, क्या होता है परंतु। अगर हम क्लॉज की बात करें तो क्लॉज को हम बोलते हैं परंतु का, और परंतु का परंतु मतलब क्या है बच्चा, जैसे देखिएगा कहीं पर मान लीजिए कोई क्लॉज लिखा है, जैसे 39 मान लीजिए ए लिखा है, एक लिखा 39A और एक लिखा है 39A, इन दोनों में डिफरेंट क्या है, तो इसे हम पढ़ेंगे सिर्फ 39A और इसे हम पढ़ेंगे 39 क्लॉज ए, दोनों में डिफरेंस क्या है ये आप समझ गए ना। जब अगर 39A कहे तो मतलब 39 क्लॉज ये, तो ये हुआ, दोनों में अंतर क्या है पहले ये समझ लीजिएगा। 39 क्लॉज ए का मतलब ये हुआ कि ये 39 वाले आर्टिकल का एक हिस्सा है, यानी आर्टिकल 39 का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। अगर कहीं लिखा है 39A, मतलब एक आर्टिकल 39 होगा और उस आर्टिकल 39 के अंतर्गत कई सारे बिंदु आते होंगे, 39A, 39B, 39C, 39D, हमने क्या बताया समय, एक आर्टिकल 39 होगा उसके अंतर्गत कई सारे पार्ट आते होंगे, 39 का ए, 39 का बी, 39 का सी, बात क्लियर हुई। और दूसरा आर्टिकल जो है ये लिखा है सिर्फ 39A, इसका मतलब ये हुआ कि 39A एक स्वतंत्र अनुच्छेद है, कैसा अनुच्छेद है, स्वतंत्र अनुच्छेद,
स्वतंत्र अनुच्छेद का मतलब क्या हुआ कि ये किसी 39 का हिस्सा उसका नहीं है। जैसे मान लो एक आर्टिकल रहा होगा 39, 39 के बाद क्या आ गया होगा 40, 40 के बाद 41, 42, 43 वो तो चला गया होगा। लेकिन जब 39 बन गया होगा और 40 बन गया होगा, कॉन्स्टिट्यूशन लिख उड़ा होगा, बाद में कोई ऐसा मुद्दा निकल कर आया होगा जो लगा होगा कि यहां पर होना चाहिए, लेकिन सारी जगह को खत्म हो गई थी क्योंकि 39 के बाद नंबर 40 ने दिया था, तो हमको लगा कि ये 39 के बाद होना चाहिए था ये नियम, पर 40 के पहले, क्योंकि संविधान को हमने एक क्रम में लिखा है। अब हमारे दिमाग में इसको रखे कहां, क्योंकि 39 के बाद तो कोई गिनती आती नहीं, 40 आती है, 40 पहले से ऑक्युपाइड है। तो हमने कहा चलो एक काम करते हैं, एक नया स्वतंत्र आर्टिकल बना देते हैं 45A। तो 45A एक स्वतंत्र आर्टिकल है, स्वतंत्र अनुच्छेद है जो कि 39 के बाद आया होगा, और 45A एक ऐसा आर्टिकल है जो कि क्या करता है, जो कि 39 का एक हिस्सा है। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि जो 45A है, 45A ये कहता है कि सभी लोगों को आजीविका का पर्याप्त साधन मिलना चाहिए और सभी को न्याय और कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की बात कौन करता है, 39A, और ये था 39A। तो दोनों की बेसिक डिफरेंस थे, पहले ये समझ में आ गया आपको, बाकी कौन सा अनुच्छेद क्या है वो हम आगे देखेंगे ही देखेंगे। एक और आपको क्या मिलता है उसे बोलते हैं सब क्लास। सब क्लास का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लीजिएगा, सब क्लास का मतलब होता है उप परंतु। आखिर ये उप परंतु क्या होता है, उप परंतु का मतलब जैसे मिल जाएगा 39 क्लाज 1 क्लाज ए, तो इसे जब पढ़ेंगे सब क्लाज ए, जब आपको इसको पढ़ना होगा तो आप पढ़ेंगे 39 क्लाज ए सब 1 सब क्लाज ए, क्या पढ़ेंगे 39 क्लाज 1 सब क्लाज ए, बस मैं यहां पर पढ़ने के बारे में बता रहा था, तो इसे पढ़ेंगे 39 क्लाज 1 सब क्लाज ए। अगर आप चाहें 39 नहीं कहा, ये 19 लिखा है, पर दिमाग खराब हो गया है, इतना समझिए थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसे पढ़ेंगे 19 और ये क्लाज 1 और यहां पर सब क्लाज ए, ठीक है ना। पहली बात तो मैंने इसको 39 पढ़ दिया है, और दूसरी बात मैं इसको एडिट नहीं करूंगा, ठीक है, अपने पास इतना टाइम नहीं है, ये डायरेक्ट जाने वाला है वीडियो, तो इतना स्लिप आप टंग चलता है। तो हमने क्या किया, आज हमने संविधान के निर्वचन के बारे में चीजों को समझ लिया। एक पॉइंट आता है आपकी क्या, अनुसूची, क्योंकि संविधान को लिखने में आपको भाग मिला है, परंतु मिलेगा, उप परंतु मिलेगा, सेक्शंस मिलेंगे, ठीक है ना, उसके पहले आर्टिकल्स मिला रहा होगा, तो वो सारे पॉइंट आपको मिलेंगे वहां पर। लेकिन लास्ट में, आखिरी में, संविधान को कैसे चलाया जाए, बाकी जो पॉइंट है उसकी एक्सप्लेनेशन किस जगह पे क्या मिलेगा, ये अनुसूची के अंतर्गत मिलेगा। तो संविधान के आखिरी में अनुसूची है, बस संविधान के इतने हिस्से मिलेंगे आपको, और इन्हीं के बारे में पढ़ना है। कहीं अगर आपको भाग दिख जाए, है ना, कहीं पर आपको चैप्टर्स दिख जाए, यानी आर्टिकल्स दिख जाए, ठीक है ना, तो आप अध्याय दिख जाए, उसको देख के आप पास आ जाएंगे अध्याय इतने में, ठीक है, आर्टिकल उत्ता भाग इतने में, तो आप समझ जाएंगे कि ये बस यही सब बातें हैं। सेक्शंस का मतलब होता है कि जो पार्लियामेंट वाले होंगे, आर्टिकल का मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन वाले होंगे, ठीक है ना, बेसिक बात है। अगर कोई चीज ऐसे सिर्फ 45A करके लिख दी गई है, मतलब वो संविधान का हिस्सा है और वो एक स्वतंत्र अनुच्छेद है, और अगर 45 क्लाज ए करके लिखा गया है, यानी वो 45 का एक हिस्सा है, तो यहाँ 19 क्लाज 1 सब क्लाज ए लिखा है। तो अब आप ये समझिए कि दो बार ब्रैकेट लगाएगा तो सब क्लाज करके पढ़ेंगे, एक बार लगाएगा तो क्लाज करके पढ़ेंगे, नहीं लगाएगा मतलब वो सीधे डायरेक्ट पढ़ेंगे और वह एक स्वतंत्र अनुच्छेद होगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा सारे पॉइंट्स, और बस इतनी लंबी क्लास हमको आज बनानी थी, इसके आगे का मन नहीं था, मुझे लगा कि बस कंटिन्यू रहे और टाइम इतना पर्याप्त हो गया कि अगर इसके आगे मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूं ना, तो फिर आज मामला गड़बड़ हो जाएगा और छोड़ हो जाएगा, है ना। इसलिए देखिए क्लास अकेले बन रही है, आज बच्चों को भी मना कर दिया गया कि आप आइएगा मत, आज उनकी छुट्टी है, जैसा कि पिछली क्लास मैंने बताया है, अभी भी मैंने बताया है, तो आप बस बिंदास आराम से पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा नुकसान करता है, मजा आएगी आपको, पूरा समझ में आएगा। ये थोड़ा बोरिंग टाइप का टॉपिक रहा होगा शायद, इंटरेस्ट कम जगह होगा आपका, और लगा होगा यार आज क्या सीरियस मुद्दा चल गया, पर डजंट मैटर, आगे देखते हैं, आगे मजा आएगी आपको, बस धैर्य से आप चीजों को पढ़िए, समझिए, मस्त आएगा, और मेहनत करते रहिए, अपने से किताबों को उठा के पढ़िए, देखिए चीजों को, नई नई चीजें एक्सप्लोर करिए, ठीक है ना। तो बेहतर होंगी चीजें अगर आप बेहतर करने का प्रयास करेंगे, तो बस इतना ही होगा, चलते हैं, ठीक है, नहीं देर हो जाएगी हमारी, बेस्ट आप लोग मस्त रहें, बिंदास में।